नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि पिछले 24 घंटे में ओमान में 1453 नए कोविड मरीज सामने आए हैं और 15 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 9 जुलाई शाम 5 बजे से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बताया कि खसाब और सलाला के एयरपोर्ट्स पे अब विदेशी नागरिक इस एयरपोर्ट के माध्यम से ओमान में एंट्री कर सकते हैं। और जो उनके लिए मेन रूल और रेगुलेशन है वो क्या है कि आपको वही वैक्सीन लगवा करके आनी है जो कि ओमानी सरकार अपने नागरिकों को लगवा रही है, यानी कि ओमान में जिसको मान्यता मिला हुआ है। और गल्फ़ कंट्री में जो भी वैक्सीन यूज़ हो रही है ये वैक्सीन वाले लगवाने वाले लोग ओमान में एंट्री कर सकते हैं। और ओमान में एंट्री करने के बाद आपको जो ब्रेसलेट है वो मिल जाएगा और 7 दिनों का होटल में क्वारंटीन अनिवार्य रूप से आपको बिताना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में बताया कि हम प्रतिदिन लगभग 40,000 लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन ईद में हम इस टीकाकरण को रोक रहे हैं। और यदि आपका जो शेड्यूल है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ और आपका डेट इन छुट्टियों के दौरान मिल रहा है, ईद की छुट्टियों के दौरान मिल रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, अगले दिन जब ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो आपको बिना किसी दिक्कत के वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। सऊदी अरब और ओमान की जो सीमाएं हैं वहां पे बहुत ज़्यादा परिवहन होता है, खास करके रसद के क्षेत्र से जो परिवहन की जो लंबी लंबी गाड़ियां आपको देखने के मिल जाएंगी। और इस क्षेत्र में जो आने जाने की जो प्रक्रिया है इसको और सुगम बनाने जा रही है ओमानी सरकार और सऊदी सरकार मिलकर के, ताकि आयात निर्यात के लिए जो माल ढुलाई की लागत है उसमें कटौती की जा सकते है। फटाफट से जो गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर लें और व्यापारियों को ज़्यादा पैसा न लगे, खास करके जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ओमान में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक जो रात्रि लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, 16 जुलाई से जो शाम के 5 बजे के बाद जो गतिविधियां हैं वो बंद कर दी जाएंगी। और इस दौरान जो होटल हैं जिसमें 50% से ज़्यादा मेहमान नहीं ठहर सकते हैं, और इनकी सभी सुविधाएं केवल होटल में रहने वाले मेहमानों के लिए सीमित कर दी जाएंगी। और यदि कोई व्यक्ति होटलों में काम करते हैं और रात के समय उनको आना जाना बंद के दौरान आना जाने की आवश्यकता है तो आपको परमिट ले लेना चाहिए आपके होटल से संपर्क करके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान में बहुत ज़्यादा प्रवासी वर्कर काम करते हैं, विदेशी लोग आकर के यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं, और ऐसे लोगों को हम चौथे चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ओमान में जो कंपनियाँ हैं उन्होंने अपने नागरिकों को कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का जो बुकिंग कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, टीकों का जो डोज है वो बुक कर लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि चौथे चरण में जिन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को जो वैक्सीन नहीं दे पाएंगी, ऐसे लोगों को हम राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल करके प्रवासियों को भी वैक्सीन हम लगाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस समय वो ओमानी लोग हैं। ओमान की जनता को बचाने के लिए हम लॉकडाउन करते हैं, गतिविधियों को बंद करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन से जो संक्रमण की स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधर जाती है। सुप्रीम कमेटी की 25वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यदि पब्लिक सेक्टर का कोई कर्मचारी जो वैक्सीन लेने से मना करता है तो ऐसे कर्मचारियों के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को हम छूट भी देंगे। यदि उनको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, पहले से कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर यदि उनको लिखित में रिपोर्ट देता है कि इन इस व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे लोगों को भी छूट दी जाएगी। लेकिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने सर्कुलर जारी किया है कि जिसमें 24 देशों के ऊपर अभी भी यात्रा प्रतिबंध जारी रहेगा, और इसके अलावा जो नागरिक हैं वो ओमान की यात्रा कर सकते हैं। और साथ में यदि ओमानी नागरिक डोमेस्टिक फ्लाइटों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनको भी पहले वैक्सीनेटेड होना होगा, तभी जा करके वो घरेलू उड़ान की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप ओमान से ओमान में ही यात्रा करेंगे तो आपको भी अनिवार्य कर दिया गया है कि आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों। रॉयल मान पुलिस ने बताया है कि मरकाजी स्ट्रीट, जो कि मस्कट में मेंटेनेंस के लिए इस स्ट्रीट को, इस रोड को बंद किया गया था, ये मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो गया है। आज से ये जो स्ट्रीट है पूरी तरह से ओपन होगी, यातायात की जो सुविधा है आज इस स्ट्रीट पे मिलेगी।
कुरियत के दो घरों पर छापा मारा है मस्कट नगर पालिका ने, क्योंकि इन घरों में जो रिहायशी घर हैं, रहने के लिए इस्तेमाल करने के लिए घर थे, लेकिन इसमें व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही थी प्रवासियों के द्वारा, और बिना किसी लाइसेंस के यदि आप व्यावसायिक गतिविधियां करते हैं तो ये एक तरह का अपराध है और इसके लिए जुर्माना भी निर्धारित है ओमान में। रॉयल मान पुलिस की टीम ने दक्षिणी अल्बतीना के समुद्र तट से 3 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है, साथ में उनकी नाव और साथ में बहुत बड़ा ड्रग्स का जो खेप है वो भी जब्त किया गया। ये एक इंटरनेशनल गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हीं के इशारे पे ओमान में ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे, लेकिन ओमान की टीम ने इनको पकड़ करके सारे सामान, सभी ड्रग्स को जब्त करके जो एंट्री ड्रग स्मगलिंग का जो कानून है उसके तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कमेटी जिन देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगाया है धीरे धीरे प्रतिबंध को हटा सकती है, क्योंकि किसी भी देश को हमेशा के लिए कोई देश बंद नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हो सकता है कि कुछ दिन में जिस देश की स्थिति अच्छी हो वहाँ के लोगों को ओमान आने की परमिशन दे दी जाए। फिलहाल में आप वैक्सीन लेकर के रेडी रहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।